नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि पिछले दो दिनों में लॉकडाउन का अनुपालन करने वाले 2581 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने अधिकारियों से हर दिन 3-3 घंटे अभियान चलाने का निर्देश भी दिया है। गले में मास्क लगाकर चलते हैं और पुलिस के सामने जाने से पहले मास्क मुंह पर लगा लेते हैं और फिर आगे बढ़कर मास्क हटा लेते हैं। ऐसे लोगों के विरोध भी कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि पिछले दो दिनों में लॉकडाउन का अनुपालन ना करने के लिए 2581 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उनमें कुल 1,64,000 रुपये की वसूली हुई है, जिनमें 1,36,000 रुपये मास्क ना पहनने वाले से जुर्माना किया गया है और 84 वाहनों के विरुद्ध MV एक्ट में जुर्माना किया गया है एवं 41 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर को लॉकडाउन के लिए प्रतिनियुक्ति तीनों वरीय उप समाहर्ता को एक एक थाना के साथ टैग करने के निर्देश दिए और प्रतिदिन समय बदल बदल कर 3-3 घंटे अभियान चलाने के निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक ने सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर और थाना स्तर पर टीम गठित कर नियमित रूप से लॉकडाउन के अनुपालन के लिए नियमित रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना का एक ही जवाब है, मास्क। आयुक्त महोदय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में यदि 21 दिनों तक कोई अन्य मामले नहीं निकलते हैं तो उसे मुक्त कर दे। ऑनलाइन समीक्षा बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा योगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक दरभंगा सदर अनुज कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार, DPM विशाल कुमार उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। ये अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण चल रहा है, उसी में सावधानी और चेकिंग करने के लिए कमिश्नर साहब और आईजी साहब रिव्यू कर रहे थे। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि बिना मास्क के जो कोई घूमे निश्चित रूप से उसे फेंकिए, उसे फाइन वसूलिए, ताकि वो निश्चित रूप से मास्क का उपयोग करें। अभी जो संक्रमण चल रहा है उसमें मास्क उपयोग नहीं करने वाले सबसे ज़्यादा संक्रमण फैला रहे हैं, इसीलिए सबसे बड़ा बचाव है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा कंटेनमेंट जोन है जहाँ संक्रमण हुआ है उसको 28 दिन तक उसको एकदम बंद करना है ताकि वो अन्य क्षेत्रों में नहीं फैले और इस पर काफ़ी निगरानी रखी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, चेकिंग हो, इसी सब पर निर्देश दिया गया। लॉकडाउन तो है लेकिन लॉकडाउन का असर दिख नहीं रहा है। चाय की दुकान, पान की दुकान, जनरल स्टोर, यानी करीब करीब 90% दुकान खुले हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, जो एसेंशियल सर्विस है, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो सबको दिया गया है छूट और उसको भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लगा के उपयोग करना है। यही पालन नहीं कर रहे हैं, इसी पर तो निगरानी के लिए इतनी सशक्त निगरानी की जा रही है ताकि लोग अनुपालन करें और लोग स्वयं भी समझदारी दिखाएं। ये नहीं कि हमेशा पुलिस या प्रशासनिक पदाधिकारी उनके पीछे खड़ा रहे, स्वयं लोग संभलें, स्वयं संभल कर करें, सतर्क रहें, निश्चित रूप से कोरोना का संक्रमण रुकेगा और सभी लोग इससे भय से मुक्त हो जाएंगे।